हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे वीडियो अपलोड करते ही वो वीडियो आप देख पाए। और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे तभी हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है ट्रेस पास, और ये मूवी एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि किसी बिल्डिंग में आग लगी है और कुछ फायरमैन उस आग को बुझा रहे हैं। उसी बिल्डिंग के एक कमरे में आग के बीच एक आदमी घिरा हुआ है, और वो आदमी अपने फर्नीचर के ड्रॉवर से कुछ डॉक्यूमेंट और अपनी गन निकाल रहा होता है। तब फायरमैन भी उस आदमी को बचाने के लिए उसके रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं। तब वो आदमी अपनी गन फायरमैन की तरफ पॉइंट करके उन्हें छुपाए हुए डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है, यह खजाना मैंने जीसस क्राइस्ट के पास से चुरा कर छिपा कर रखा है 5th फ्लोर पर मेरे अपार्टमेंट में, और मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। तुम इसे अपने पास रखो। ऐसा कहकर वो आदमी भगवान से अपने किए की माफी मांगने लगता है और अपने आप को आग के हवाले कर देता है। उन्हें में से एक फायरमैन का नाम विंस था, और विन उस आदमी के दिए हुए डॉक्यूमेंट को चेक कर रहा था। तभी विंस के हाथ में उस आदमी का आई कार्ड लगता है, और वो आई कार्ड किसी ऑर्गिल ब्रदर कंपनी का था। उस आई कार्ड में उस आदमी का नाम यूजिन लिखा था, जो जलकर मारा गया था। उन्हीं डॉक्यूमेंट में विंस को एक पुराने पेपर की कटिंग भी मिलती है, जिसमें चर्च के अंदर चोरी की न्यूज छपी हुई थी, और इस चोरी में चर्च के अंदर से बहुत ही कीमती खजाना चुराया गया था। विंस को उस पेपर के नीचे एक सोने का क्रॉस भी मिलता है, जो कि उस खजाने का एक छोटा सा हिस्सा था। विंस वो सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर अपने दोस्त डॉन को बताता है, जो उस समय विंस के साथ था जब उस आदमी ने अपने आप को आग लगा ली थी। और विंस डॉन से कहता है, यूजिन नाम के इस आदमी ने ही चर्च में चोरी की थी, और इसीलिए वो मरने से पहले माफी मांग रहा था। उन डॉक्यूमेंट को देखकर और विंस की बातें सुनकर डॉन कहता है, हमारा अमीर होने का टाइम आ चुका है विंस। ये देखो, उन डॉक्यूमेंट में ड्राइंग मिली है, ये खजाने का मैप है। आगे क्लब में डॉन्स विंस से कहता है, सैटरडे आने वाला है, क्यों ना हम लोग सेंट लुइस जाए और वहां पर यूजिन की फैक्ट्री ढूंढे जहां पर वो काम किया करता था। मेरे पास मेटल डिटेक्टर है, हम 5th फ्लोर पर उस अपार्टमेंट में जाएंगे जिसके बारे में उसने हमें बताया था। मैंने उस कंपनी के बारे में पता किया है, पर किसी ने भी ऑर्गिल ब्रदर्स कंपनी के बारे में नहीं सुना है। हो सकता है शायद वो कंपनी अब बंद हो गई हो। विंस डॉन की बातें सुनकर लालच में आ जाता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों सेंट लुइस जाते हैं और वहां पर उस फैक्ट्री के बारे में पता करते हैं। तो वो फैक्ट्री एक सुनसान इलाके में थी, और वो फैक्ट्री अब बंद हो चुकी थी। इस फैक्ट्री के चारों तरफ कई सारी बिल्डिंग भी थी, जहां पर फैक्ट्री में ही काम करने वाले लोग रहा करते थे। उन बिल्डिंग को और फैक्ट्री को देखकर डॉन कहता है, लगता है ना तो कोई यहाँ पर रहता है और ना ही कोई आता जाता है। आगे वो दोनों मैप देखकर पता करते हैं कि वो कौन सी बिल्डिंग थी जिसमें यूजिन रहा करता था। वो दोनों उस बिल्डिंग में जाने वाले होते हैं, तब डॉन अपनी गन निकालता है, और गन को देखकर विंस कहता है, तुम इसे साथ क्यों लेकर आए। तब डॉन कहता है, हम सेंट लुइस में है और यहाँ पर हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। आगे विंस और डॉन उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, तो वो बिल्डिंग बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, और अंदर से वो बिल्डिंग पूरी तरह से टूट फूट चुकी थी। वो दोनों 5th फ्लोर पर जाते हैं, तो वहां पर उन्हें एक अपार्टमेंट का दरवाजा दिखता है, और उसे देखकर डॉन कहता है, यही यूजिन का अपार्टमेंट होगा। वो दोनों अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, और अपार्टमेंट के अंदर जाकर डॉन विंस को दरवाजे पर लगा एक पुराना सिक्योरिटी सिस्टम दिखाता है, जिसके जरिए बिना दरवाजा खोले जाली के सहारे बाहर की तरफ देखा जा सकता था। आगे वो दोनों अपार्टमेंट के फ्लोर पर मेटल डिटेक्टर के सहारे खजाने को खोजने लगते हैं। तभी अचानक मेटल डिटेक्टर साउंड करने लगता है, और विंस उस जगह की खुदाई करता है, तो वहां पर उन्हें कोई भी खजाना नहीं मिलता, वहां पर उन्हें अंडरग्राउंड पाइप मिलता है। दूसरी तरफ बिल्डिंग के नीचे एक कार आकर रुकती है, और इस कार में गूस और लकी नाम के दो आदमी बैठे हुए थे। गूस नीचे खड़ी हुई डॉन की गाड़ी को देखकर लकी से पूछता है, ये गाड़ी किसकी है, हमारे बीच तय हुआ था कि यहाँ पर विकी के अलावा कोई नहीं होगा। तब लकी कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता गूस। दूसरी तरफ अपार्टमेंट के अंदर विंस और डॉन अभी भी खजाना ढूंढ रहे थे। तभी विंस को फर्श की एक लकड़ी निकली हुई दिखाई देती है। विंस उस लकड़ी को हटाता है, तो उस लकड़ी के नीचे उसे एक डिब्बा मिलता है,
और उस डब्बे के अंदर कुछ पैसे थे। तभी विंस के ऊपर वहीं पर छुपा हुआ बैठा एक आदमी हमला कर देता है। वो आदमी विंस को पकड़कर मारने लगता है तो विंस चिल्लाने लगता है। आवाज सुनकर डॉन उस आदमी को विंस से दूर करता है और डॉन उस आदमी से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वो आदमी कहता है, इस डब्बे के अंदर मेरे पैसे थे और ये आदमी मेरे पैसे ले रहा था। मैं यहीं पर छिपकर रहता हूँ और मेरा नाम ब्रेडली है। और ऐसा कहकर ब्रेडली अपने आप को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। पर डॉन और विंस ब्रेडली को पकड़कर उसे चेयर से बांध देते हैं। आगे वापस से डॉन और विंस फर्श को खोद रहे होते हैं, तभी उन्हें वापस से किसी की आवाज आती है। डॉन दरवाजे के बाहर देखता है तो गूस और लकी बिल्डिंग की छत पर जा रहे थे। ये देखकर डॉन विंस को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और खुद छत पर जाकर देखने लगता है। गूस ने लकी को अगवा कर रखा था और वो विकी नाम के आदमी से पैसा लेकर लकी को छोड़ने वाला था। गूस ऊपर विकी से मिलता है जिसके पास पैसों का बैग था। तभी लकी गूस के साथ एक मजाक करता है जिसके कारण गूस को गुस्सा आ जाता है और वो लकी को मारने लगता है। ये देखकर वहीं खड़ा विकी गूस पर गन पॉइंट करता है और तब विकी के साथ आए छुपे हुए लोग भी सामने आ जाते हैं, जिसमें लकी का बड़ा भाई किंग जेम्स 7 और क्लिटस नाम का आदमी था और उनके साथ ही एक कैमरामैन भी था जो हमेशा किंग जेम्स का वीडियो बनाया करता था। ये सभी लोग मिलकर गूस से बहस करने लगते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने लकी को अगवा किया। तब डॉन वहीं पर छुपकर इन सब की बातें सुन रहा था और अपार्टमेंट में विंस ब्रेडली के साथ था। बहुत देर तक डॉन का इंतजार करने के बाद डॉन नीचे नहीं आता। तब विंस अपार्टमेंट के बाहर जाता है डॉन को ढूंढने। तब छत के ऊपर किंग जेम्स गूस को मारने लगता है और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। विंस भी गूस को छत से नीचे गिरता हुआ देख लेता है और वो डर जाता है। तब किंग जेम्स और उसके आदमी भी ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे थे और वो लोग भी विंस को देख लेते हैं। वो लोग नीचे विंस के पास आते हैं और विंस के पास आकर उससे पूछते हैं, तू कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है? इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर विंस घबरा जाता है और वो कुछ नहीं बोलता। लकी भी ये सब वहीं पर खड़ा होकर देख रहा था। तभी डॉन लकी के पीछे से आकर उस पर गन अड़ा देता है। डॉन के पास गन देखकर सभी लोग छिप जाते हैं और विंस वापस अपार्टमेंट में चला जाता है और विंस डॉन को भी अपार्टमेंट के अंदर आने के लिए कहता है। डॉन ने लकी पर गन अड़ा रखी थी तो कोई भी उस पर फायर नहीं करता और डॉन लकी को अपने साथ अपार्टमेंट में ले जाकर दरवाजा बंद कर देता है। तब जेम्स के आदमी दरवाजे पर फायरिंग करने लगते हैं और किंग जेम्स सभी को रोकता है और वो कहता है, अंदर मेरा भाई लकी भी उनके साथ है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। और डॉन विंस से कहता है, तुम अपार्टमेंट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। जेम्स भी डॉन की इस बात को सुन लेता है और वो 7 से कहता है, तुम नीचे जाओ और नीचे जाकर देखो कि वो बाहर ना आ पाए। ये सुनकर 7 बिल्डिंग से बाहर जाने लगता है। आगे डॉन लकी को चेक करता है तो उसे उसके पास से एक बैग मिलता है जिसे डॉन दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ विंस को खिड़की के बाहर बनी बालकनी पर सीढ़ियां दिखाई देती है और वो बालकनी में आता है। तभी 7 भी विंस को नीचे से देख लेता है और वो उस पर गोलियां चलाने लगता है। गोलियों से बचता हुआ विंस वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि वो बालकनी के जरिए बाहर नहीं निकल सकते। विंस वापस दौड़कर डॉन के पास जाता है। तब डॉन विंस से कहता है, इसका बैग चेक करो, जरूर उसमें गन होगी। विंस लकी का बैग चेक करता है तो उसमें ड्रग्स लेने का सामान था और उस सामान को देखकर विंस कहता है, ये शायद ड्रग एडिक्ट है। यह सुनकर डॉन कहता है, जल्दी मेरे बैग से रस्सी लेकर आओ। दूसरी तरफ अपार्टमेंट के बाहर किंग जेम्स भी गुस्सा था कि उसके भाई को दूसरी बार भी अगवा कर लिया गया था। गुस्से में किंग जेम्स विकी को कहता है, नीचे जाकर 7 से फोन लो और उसके फोन से कॉल करके लूथर मून और डेविस को यहाँ पर बुलाओ और रेमंड को भी कॉल करो, उसे भी हथियार लेकर यहाँ पर बुलाओ। विकी नीचे जाकर 7 से फोन लेता है और सभी को कॉल करके बुलाता है। विंस और डॉन लकी को अपार्टमेंट के दरवाजे पर ही रस्सी से बांधने लगते हैं और विंस डॉन से पूछता है, बाहर कितने आदमी हैं? डॉन कहता है, बाहर 5 लोग हैं। ये सुनकर लकी कहता है, देखते जाओ अभी और कितने लोग यहाँ पर आएंगे। मेरा बड़ा भाई किंग जेम्स वो यहाँ की गैंग का किंग है और वो तुम्हें यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने देगा। लकी की बातें सुनकर डॉन चिल्लाकर कहता है, हे जेम्स, हमने तुम्हारे भाई को दरवाजे पर बांध रखा है, अगर किसी ने दरवाजे पर गोली चलाई तो तुम्हारा भाई मारा जाएगा। यह सुनकर जेम्स कहता है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, तुम कोई भी हो बस पागलपन मत करना, मेरे भाई को कुछ मत करना। आगे विंस वहीं पर रहने वाले ब्रेडली से वहां से निकलने का रास्ता पूछता है। तब ब्रेडली उन्हें रास्ता बताने से मना कर देता है।
विंस और डॉन दोनों वहां से निकलने का रास्ता खोजने लगते है। तभी डॉन को एक रास्ता दिखाई देता है जहाँ अपार्टमेंट से कुछ दूरी पर एक शेड बना हुआ था। उसे देखकर डॉन विंस से कहता है, अगर हम लोग किसी तरह उस शेड तक पहुंच जाएंगे तो हम उस शेड से दूसरी बिल्डिंग में जा सकते हैं। तब विंस और डॉन लकड़ी का एक पल्ला लगाकर शेड तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। तभी ऊपर गन लेकर खड़ा क्लीटस उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है जिसके कारण वो लकड़ी का पल्ला टूट जाता है और विंस अपनी जान बचाकर वापस अपार्टमेंट में आ जाता है। दरवाजे के बाहर जेम्स लकी से बात करने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा और लकी जेम्स से कहता है कि अंदर तीन आदमी हैं। तब तक डॉन भी वहां पर पहुंचकर लकी का मुंह बंद करता है। तब जेम्स डॉन से कहता है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हमें बताओ पर मेरे भाई को छोड़ दो। यह सुनकर विंस कहता है, पहले तुम यहाँ पर पुलिस को बुलाओ तभी हम तुम्हारे भाई को छोड़ेंगे। तब डॉन विंस से कहता है, ये लोग ड्रग डीलर है और इन्होंने ऊपर एक आदमी को मार दिया है और इसलिए ये लोग पुलिस को नहीं बुलाने वाले। ऐसा कहकर डॉन लकी का मुंह बांध देता है। आगे वहां पर और लोग भी आ गए थे और रेमन नाम का आदमी भी हथियार के साथ वहां पर पहुंच चुका था। डॉन और विंस दोनों उन आदमियों को देख रहे होते हैं और विंस ये सब देखकर पूछता है, अब ये लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? आगे डॉन और विंस अपार्टमेंट की जालियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं पर उनसे जाली नहीं टूटती। रेमंड भी अपनी कार में कई सारे हथियार लाया था जिसे वो जेम्स के आदमियों को बांट देता है और जेम्स तब अपने आदमियों से कहता है, उन्होंने मेरे भाई को अपार्टमेंट में अगवा कर रखा है और वो चाहते हैं कि हम लोग पुलिस को बुलाए तब वो लोग लकी को छोड़ेंगे तो हम में से कोई एक उनके सामने पुलिस वाला बनकर जाएगा। दूसरी तरफ डॉन और विंस उस अपार्टमेंट की दीवार को भी ब्रेक करने की कोशिश करते हैं पर उनसे दीवार भी ब्रेक नहीं होती। तब डॉन कहता है, मेरे पास बस 21 गोलियां बची है उनका सामना करने के लिए। वो लोग वापस सोचने लगते हैं कि वो लोग बाहर कैसे निकलेंगे और विंस वापस ब्रेडली से बाहर जाने का रास्ता पूछता है पर ब्रेडली उन दोनों को वापस से मना कर देता है। प्लान के अनुसार सेवन और लूथर नाम के आदमी अपनी अपनी गन लेकर सामने वाली बिल्डिंग में पोजीशन ले लेते हैं ताकि वो अपार्टमेंट की खिड़की के जरिए डॉन और विंस को निशाना बना सके। और दूसरी तरफ रेमंड पुलिस का सायरन बजाकर माइक पर अनाउंस करता है, हम पुलिस है, जो जहां पर है वो वहीं पर रुक जाए। ये अनाउंसमेंट सुनकर विंस भी खिड़की के बाहर देखने लगता है तो उसे बाहर एक पुलिस वाला नजर आता है और ये पुलिस वाला एक आदमी को पकड़ रहा था। यह देखकर विंस खिड़की के सामने आकर उस पुलिस वाले को आवाज लगाने लगता है और तभी लूथर सामने वाली बिल्डिंग से विंस को निशाना बनाकर फायर करता है पर विंस बच जाता है और डॉन विंस को धक्का देकर नीचे झुका देता है। तब सेवन और लूथर लगातार अपार्टमेंट की खिड़कियों पर फायरिंग करने लगते हैं। गोलियों से बचते हुए फ्लोर के सहारे चलते हुए विंस और डॉन अपार्टमेंट के दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। मौका पाकर बालकनी की सीढ़ियों के जरिए जेम्स और उसका एक और आदमी अपार्टमेंट की खिड़की तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं पर डॉन उस आदमी को देख लेता है और वो उस पर गोली चलाता है और वो आदमी नीचे गिरकर मारा जाता है। आगे जेम्स सेवन पर चिल्लाता है कि क्लियर शॉट मिलने के बाद भी वो किसी को नहीं मार पाया। दूसरी तरफ डॉन अभी भी शेड तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ था और विंस अपार्टमेंट की छत पर मेटल डिटेक्टर के जरिए मेटल पाइप ढूंढने में लगा हुआ था ताकि उन्हें सीलिंग पर कोई खोखली जगह मिल जाए और वो खोदकर वो ऊपर वाले फ्लोर पर जा सके। विंस सीलिंग को चेक कर रहा था तभी अचानक मेटल डिटेक्टर आवाज करने लगता है। यह सुनकर विंस और डॉन दोनों वहां खोदने की तैयारी में लग जाते हैं। सीलिंग तक पहुंचने के लिए उन्हें कुर्सी की जरूरत थी तो वो ब्रेडली के हाथ पांव खोल देते हैं और उस कुर्सी पर चढ़कर डॉन अपार्टमेंट की सीलिंग को तोड़ने लगता है। सीलिंग को तोड़ने के बाद डॉन को ऊपर कुछ दिखाई देता है और डॉन उसे निकाल कर देखता है तो वहां से कई सारे सोने के बर्तन और कई सारे एंटिक पीस निकलते हैं। उन एंटिक पीस और बर्तनों को देखकर डॉन और विंस दोनों बहुत खुश होते हैं और ब्रेडली ये सब देखकर चौंक गया था। तब डॉन कहता है, हमें पता ही नहीं था कि खजाना सीलिंग में छुपा कर रखा गया था और हम लोग फ्लोर पर सर्च कर रहे थे। तब विंस वापस उस मैप को देखता है और वो उस मैप को देखकर कहता है, नहीं मैप गलत नहीं था, मैप सही था। उसने मैप में सीलिंग के बारे में बताया था और हम लोग उसे फ्लोर समझ रहे थे। इन तीनों के द्वारा की गई बातों को वहां बंदा लकी भी सुन रहा था। तभी गोल्ड निकालते समय डॉन चेयर से गिर जाता है और वो फिर से हंसने लगता है। दूसरी तरफ सेवन अपनी गन से फायर करके उस शेड को तोड़ देता है जिस पर चलकर डॉन दूसरी बिल्डिंग पर पहुंचने की कोशिश करने वाला था
उस शेड को टूटा हुआ देखकर डॉन और विंस दोनों बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि उनके भागने की आखिरी उम्मीद भी जा चुकी थी। शेड को तोड़ने के कारण किंग जेम्स सेवन पर चिल्लाता है और वो कहता है, तुमने गोलियां क्यों चलाई। तब सेवन कहता है, वो शेड पर चढ़कर वहां से भाग सकते थे, इसलिए मैंने उसे तोड़ दिया। ये सुनकर जेम्स कहता है, तुम अपनी उंगली को थोड़ा आराम दो और दिमाग से काम लो, तुम्हारी ऐसी हरकतों से वो गुस्सा होकर मेरे भाई को भी मार सकते हैं। जेम्स की डांट सुनकर सेवन थोड़ा गुस्सा होता है। दूसरी तरफ विंस और डॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सोना लेकर वहां से निकलेंगे कैसे। तब विंस कहता है, हम लकी को ह्यूमन शील्ड बनाकर यहां से निकल सकते हैं। तब डॉन कहता है, हमारे पास बस एक ही गन है और उसके सहारे हम यहाँ से नहीं निकल सकते। विंस कहता है, क्या हो यदि हम ये सोना इनको दे दे और यहाँ से जिंदा जाने के लिए कहे। डॉन कहता है, तो भी सोना लेकर ये लोग हमें मार देंगे, इतना सोना होने के बाद भी हमारे लिए किसी काम का नहीं। तब विंस कहता है, तो फिर हमें ब्रेडली को छोड़ देना चाहिए ताकि उसकी जान बच सके। डॉन कहता है, ठीक है उसे छोड़ दो। तब विंस खड़ा होकर ब्रेडली से कहता है, तुम्हें यहाँ पर रोकने का कोई कारण नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। तब डॉन कहता है, पर एक शर्त है, हम तुम्हें सोना देंगे पर तुम्हें बाहर जाकर पुलिस को बुलाना होगा। यह सुनकर ब्रेडली कहता है, मैं यहाँ से कदम बाहर रखूंगा और ये लोग मुझे मार देंगे। अगर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताऊं तो क्या तुम मुझे सोने में से हिस्सा दोगे। यह सुनकर विंस और डॉन दोनों चौंक जाते हैं और विंस कहता है, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है। डॉन कहता है, अगर तुम हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओगे तो हम तुम्हें खजाने में से एक हिस्सा देंगे और खजाने को तीन हिस्सों में बांटा जाएगा। ब्रेडली कहता है, चिमनी के जरिए हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। ब्रेडली उन दोनों को अपार्टमेंट में ही बनी चिमनी दिखाता है और विंस और डॉन चिमनी में लगे कपड़े को हटाकर चिमनी को अंदर से देखते हैं तो उन्हें चिमनी के अंदर बनी सीढ़ियां दिखाई देती है जिसके जरिए वो दोनों बिल्डिंग से ऊपर या नीचे जा सकते थे। उसे देखकर डॉन कहता है, हम यहाँ से निकल सकते हैं, हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। दूसरी तरफ रेमंड नाम के आदमी को भी डॉन की कार नीचे खड़ी हुई दिखाई देती है और वो चाकू से डॉन की कार के टायर को खराब कर देता है। इसके बाद रेमंड कार के रेडियो को खराब करके पूरी कार को बिगाड़ देता है ताकि डॉन और उसका साथी वहां से कार के जरिए ना निकल पाए। तब रेमंड की नजर कार में ही लगे डॉक्यूमेंट्स पर पड़ती है और रेमंड उसे चेक करता है तो उसके हाथ में चर्च की चोरी की न्यूज का वही न्यूज़पेपर लगता है। उस न्यूज़पेपर की न्यूज को पढ़कर रेमंड हंसने लगा था और उसे डॉन और विंस के वहां होने का कारण पता चल चुका था। डॉन और विंस चिमनी की दीवार को तोड़ने लगते है। दूसरी तरफ रेमंड की कार के पीछे एक पुलिस की कार आ गई थी और रेमंड की कार को रोकने के लिए वो पुलिस की कार सायरन बजाती है। सायरन की आवाज विंस को भी आती है और वो खिड़की के बाहर पुलिस की गाड़ी को देखकर खुश होकर कहता है, बाहर पुलिस आ गई है, रियल वाली पुलिस। तब डॉन कहता है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। तब विंस पुलिस को बुलाने लगता है। तब डॉन विंस का मुंह बंद करके उसे चुप रहने को कहता है और इस बात को लेकर उन दोनों में हाथापाई भी होती है। तब वहीं खड़ा ब्रेडली कहता है, अगर पुलिस यहाँ पर आई तो वो हमारे सिर पर गोली मारकर खुद सोना लेकर चली जाएगी। पुलिस नीचे आकर रेमंड से पूछताछ कर रही थी कि वो उस समय वहां पर क्या कर रहा है। तब रेमंड कहता है, वो बस ऐसे ही इस जगह को देखने आया था। पुलिस जब रेमंड से पूछताछ कर रही थी तब सभी शांत होकर रेमंड और उस पुलिस वाले को देख रहे थे और डॉन ने विंस पर गन अड़ा रखी थी। तभी एक दूसरा पुलिस वाला पूछताछ करने वाले पुलिस ऑफिसर से कहता है, हमें यहाँ से जाना होगा, एक इमरजेंसी है। तब वो दोनों पुलिस ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। आगे रेमंड जेम्स और सभी को डॉन की गाड़ी की नंबर प्लेट दिखाते हुए कहता है, मुझे उनकी कार मिली और मैंने उनकी कार बिगाड़ दी, अब वो यहाँ से कार से नहीं भाग सकते। तब उस कार की नंबर प्लेट को देखकर विकी कहता है, ये गाड़ी का नंबर यहाँ का नहीं है, ये लोग 200 किलोमीटर दूर से इतनी दूर क्यों आए होंगे। तब जेम्स कहता है, रेमंड ये यहाँ पर क्यों आए हैं और ये यहाँ पर कर क्या रहे। रेमंड कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब वहीं खड़ा सेवन कहता है, हमें इस बिल्डिंग को जला देना चाहिए। तब विकी कहता है, लकी भी अंदर है तो उसका क्या होगा। तब जेम्स सेवन का बिल्डिंग को जलाने का प्लान मानने से इनकार कर देता है और सेवन गुस्से के मारे बिल्डिंग को जलाने की जिद करने लगता है। तब जेम्स सेवन को मारता है और जेम्स और सेवन दोनों एक दूसरे पर गन अड़ा देते हैं। तब रेमंड सेवन की गन को नीचे करके उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। आगे रेमंड सेवन को समझाते हुए कहता है, जेम्स को भूल जाओ, तुम्हारा और मेरा इंटरेस्ट अलग है। क्या तुम जानते हो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस को आवाज क्यों नहीं लगाई। क्योंकि उनके हाथ में कोई चीज लगी है, कोई कीमती चीज जिसके बारे में वो पुलिस को नहीं बता सकते थे।
ऐसा कहकर रेमंड सेवन को चर्च में चोरी वाली न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता है और उस पुराने पेपर की न्यूज को देखकर सेवन रेमंड के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे जेम्स डॉन और विन से बात करने की कोशिश कर रहा था और वो कहता है, मैं ये बात आगे और बढ़ाना नहीं चाहता, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जेम्स की बात सुनकर विंस डॉन से कहता है, हमें उसकी बात सुननी चाहिए। विंस के कहने पर डॉन जेम्स से बात करने के लिए तैयार हो जाता है और जेम्स उसे सवाल करता है, मैं जानना चाहता हूँ तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। तब डॉन थोड़ा सोचता है और वो कहता है, हम इस जगह को विजिट करने आए थे। यह सुनकर जेम्स कहता है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, जरूर कोई कारण है जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। ये मेरा इलाका है और तुमने मेरे इलाके में आकर मेरे भाई को अगवा किया है। जब पुलिस यहाँ पर आई थी तो तुमने पुलिस को मदद के लिए आवाज क्यों नहीं लगाई। दूसरी तरफ रेमंड और सेवन बिल्डिंग के बाहर जाते हैं और रेमंड बिल्डिंग पर निशाना लगाए बैठे लूथर को कॉल करके कहता है। लूथर उनमें से एक आदमी भागने की कोशिश कर रहा है, उसे जल्दी से शूट करो। यह सुनकर लूथर कहता है, पर मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उसी समय रेमंड सेवन को इशारा करता है और सेवन बिल्डिंग की खिड़कियों पर फायर करने लगता है। तब जेम्स डॉन से बात कर रहा था और गोलियों की आवाज सुनकर डॉन जेम्स पर फायरिंग करने लगता है और फायरिंग से बचकर जेम्स वहां से भाग जाता है। आगे जेम्स नीचे आता है तभी रेमंड और सेवन भी वहां पर आकर कहते हैं, उनमें से एक यहां से भागने की कोशिश कर रहा था इसलिए गोलियां चलानी पड़ी। तभी विकी भी वहां पर आकर जेम्स से कहता है, लूथर ने कहा है कि उनमें से एक आदमी भागने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर जेम्स सेवन से कहता है, जल्दी कहीं से पेट्रोल लेकर आओ और इस बिल्डिंग को आग लगा दो। यह सुनकर रेमंड सेवन और उसके साथी पेट्रोल लेने वहां से निकल जाते हैं। लकी की हालत बिगड़ चुकी थी और वो छटपटा रहा था। तब उसकी हालत देखकर विंस लकी के बैग से ड्रग्स निकालता है और वो कहता है, यह ठीक हो सकता है यदि हम इसे ड्रग्स दे दें। आगे लकी विंस और डॉन को ड्रग्स तैयार करने का तरीका बताता है और वो दोनों ड्रग्स तैयार करने के बाद उसे लकी को देने वाले थे। तभी डॉन विंस से कहता है, तुम जाकर ब्रैडली की मदद करो, उस पर नजर रखो। विंस ब्रैडली के पास जाता है और डॉन लकी को ड्रग्स देने वाला था। तब लकी कहता है, प्लीज ये मुझे करने दो, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो मेरी जान जा सकती है। यह सुनकर डॉन लकी का एक हाथ खोलकर उसके हाथ में इंजेक्शन दे देता है और लकी अपने हाथ पर इंजेक्शन लगाने वाला था तभी वो डॉन के गले पर इंजेक्शन दे मारता है जिसके कारण डॉन चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। आवाज सुनकर विंस और ब्रैडली भी डॉन की तरफ दौड़ते हैं तो वो देखते हैं कि डॉन अपनी सुध-बुध खो बैठा था और लकी अपने हाथों को खोलकर अपने भाई को आवाज लगाने लगता है। तब ब्रैडली लकी को रोकता है तो लकी ब्रैडली को भी मारता है। तब विंस लकी को रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगी थी। सामने वाली बिल्डिंग से लूथर भी ये सब देख रहा था और वो विंस पर निशाना लगाते हुए फायर करता है पर गलती से गोली लकी को जा लगती है और लकी मारा जाता है। लूथर ये देखकर घबरा जाता है और वो विकी को कॉल करके कहता है, लकी मारा गया है मेरी गोली से, पर तुम जेम्स से कहना इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं उस वाइट गाय पर निशाना लगा रहा था तभी लकी बीच में आ गया और गोली लकी को लग गई और वो मारा गया। यह सुनकर विकी भी शॉक था और वो ये बात जेम्स को बताने जाता है। दूसरी तरफ विंस डॉन को उठाने की कोशिश कर रहा था तब डॉन कहता है, विंस तुम यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर विंस कहता है, हम दोनों साथ जाएंगे। रेमंड और सेवन बिल्डिंग को जलाने के लिए विस्फोटक लगाने वाले थे तभी वहां पर विकी आकर सभी से कहता है, लकी मारा गया, वाइट गाय को शूट करने वाले थे पर गोली लकी को जा लगी। विकी के मुंह से ये बात सुनकर जेम्स बहुत गुस्सा होता है और वो अपनी गन लेकर ऊपर जाने लगता है। तब विंस ब्रैडली से कहता है, मैं चिमनी में जा रहा हूँ और तुम डॉन के साथ जाकर रूम में छुप जाओ और बिल्कुल शांत रहना, मैं ऊपर जाऊंगा तब तक वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे और उन्हें ये चिमनी का होल दिखाई देगा और उन्हें लगेगा कि सभी लोग यहाँ से भाग चुके हैं, तब वो सभी हमें बाहर ढूंढने चले जाएंगे और तुम यहीं रुके रहना, मैं बाहर से हेल्प लेकर वापस आऊंगा। ऐसा कहकर विंस चिमनी में चला जाता है। तब जेम्स भी दरवाजे के बाहर पहुंच गया था और वो दरवाजे पर गोलियां चलाने लगा था तभी वहां पर विकी आकर उसे दरवाजा जलाने के लिए कहता है और वो लोग दरवाजे में आग लगा देते हैं। तब ब्रैडली भी डॉन को एक कमरे में ले जाता है और वो बाहर सोना लेने आता है। तब तक जेम्स दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका था और उसके अंदर आते ही उसे लकी की बॉडी दिखाई देती है। दूसरी तरफ जेम्स के आदमी नीचे बिल्डिंग को आग लगाने के लिए चारों तरफ पेट्रोल छिड़क रहे थे। विकी अपार्टमेंट में उन लोगों को ढूंढ रहा था तभी उसे चिमनी दिखाई देती है। जेम्स चिमनी के अंदर देखता है तो उसे विंस दिखाई देता है जो कि ऊपर जा रहा था।
यह देखकर जेम्स उस पर गोलियां चलाता है, पर विंस ऊपर पहुंच चुका था। तब जेम्स विकी से कहता है, तुम यही रुको लकी के पास, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। दूसरी तरफ विंस ऊपर पहुंचकर रस्सी के जरिए नीचे जाने लगता है और जेम्स उसे देखकर उस पर गोली चलाने वाला था। तब तक विंस खिड़की तोड़कर अंदर पहुंच चुका था और वो नीचे भागने लगता है। ब्रेडली खजाने को अपने साथ बंद कर लेता है और उसके हाथ से खजाने का बैग गिर जाता है और ये आवाज बाहर खड़ा विकी भी सुन लेता है। विकी कुलाड़ी लेकर उस कमरे के दरवाजे को तोड़ने लगता है जिसके अंदर ब्रेडली था। ये देखकर ब्रेडली छिप जाता है और विकी दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। तभी डॉन विकी के पीछे से आकर उस पर कुलाड़ी से हमला करके उसे घायल कर देता है और उसकी गन ले लेता है। तब तक जेम्स भी अपार्टमेंट में दोबारा आ गया था और जेम्स और डॉन एक दूसरे पर गन अड़ाकर एक दूसरे पर फायर करते हैं और इस तरह से वो दोनों ही मारे जाते हैं। ब्रेडली खजाने से भरा हुआ बैग लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर तब तक जेम्स के और आदमी भी उस अपार्टमेंट में आ चुके थे और वो लोग जेम्स को मरा हुआ देखते हैं। उनमें से एक आदमी ब्रेडली की तरफ गन करके उसे मारने वाला था, पर तभी जेम्स का कैमरामैन उसे कहता है, ये हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो हम में से एक है। हमारे दुश्मन वो व्हाइट गाय है, मारना है तो उन्हें मारो, आगे जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब जिस आदमी ने ब्रेडली पर गन अड़ा रखी थी वो ब्रेडली से कहता है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इस पूरी जगह को आग लगाने वाले है। और ऐसा कहकर वो आदमी भी वहां से चला जाता है। विंस बिल्डिंग के नीचे पहुंच चुका था और वो वहां से भागने वाला था, पर वो देखता है कि उनकी कार को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। ब्रेडली सोना लेकर वहां से बाहर जाने लगता है, तभी उनके सामने सेवन आ जाता है और सेवन ब्रेडली से कहता है, तुम यहां पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में मेरा बैग है। तब सेवन ब्रेडली पर गन अड़ाकर उसे वो बैग देने के लिए कहता है और ब्रेडली अपनी जान बचाकर वो बैग वहीं छोड़कर भाग जाता है। सेवन उस बैग के अंदर देखता है तो उसे उसके अंदर वही खजाना मिलता है, जिसे देखकर सेवन खुश होकर उस अपार्टमेंट में विस्फोटक लगाकर वहां से जाने लगा था। तब सेवन को बाहर रेमंड मिलता है और वो उस पर गन अड़ाकर खजाने से भरा बैग मांगता है, पर सेवन उसे वो देने से मना कर देता है और रेमंड सेवन पर गोलियां चलाने लगता है। बदले में सेवन भी रेमंड पर गोलियां चलाता है और रेमंड मारा जाता है और सेवन गोली लगने के कारण घायल हो गया था। ब्रेडली ये सब देख रहा था और वो खजाने से भरा बैग लेकर वहां से भागने लगता है। तब सेवन उसे रोकता है और उस पर जला हुआ हिस्सा गिर जाता है और वो भी मारा जाता है। ब्रेडली उसी चिमनी के जरिए खजाना लेकर नीचे चला जाता है। आगे विंस वहां आता है तो वो देखता है पूरी बिल्डिंग जल चुकी थी और उसकी आंखों के सामने बिल्डिंग के अंदर लगा विस्फोटक फट जाता है। यह सब देखकर विंस दुखी हो रहा था कि वो अपने दोस्त को खो चुका है। तब तक ब्रेडली भी अपनी जान बचाकर बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुका था और वो विंस से कहता है, तुम्हारे पास यहाँ से भागने का चांस था तो तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं। तब विंस कहता है, ब्रेडली तुम जिंदा हो, क्या तुम ठीक हो और डॉन कहाँ है। ब्रेडली कहता है, उन्होंने डॉन को मार दिया और वो खजाना लेकर अपने साथ चले गए, तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो वो तुम्हें भी आकर मार देंगे। विंस कहता है, तुम भी मेरे साथ चलो नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे। ब्रेडली कहता है, वो लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे, पर तुम यहाँ से भाग जाओ। यह सुनकर विंस अपनी जान बचाकर उस जगह से भाग जाता है और ब्रेडली खजाने से भरा बैग उठाकर जोर जोर से हंसने लगता है और वो खजाना लेकर वहां से निकल जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।